हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आई हूँ नीट 2020 के रिगार्डिंग। तो जो आप लोगों की ओएमआर शीट जो आपने भरी थी नीट के एग्ज़ाम में, वो डिस्प्ले हो चुकी हैं और इस बार एक नया कंसेप्ट भी डेवलप किया है एनटीए ने कि आप अपनी ओएमआर शीट को भी चैलेंज कर सकते हो। तो इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। तो पहले तो मैं आप लोगों को वो नोटिस शो कर देती हूँ जो कि नीट ने कल शाम को पब्लिश किया है। सो वो नोटिस कुछ इस तरीके से है, नीट यूजी 2020 हैज़ बीन कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री ऑन 13 सितंबर 2020 इन विच 15,97,433 कैंडिडेट्स वर रजिस्टर्ड। नाउ एनटीए इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू चैलेंज द ओएमआर शीट्स एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज। तो नीट का एग्ज़ाम आपका ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है, 13 सितंबर को हुआ था और 15 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब एनटीए ने आपको ओएमआर आंसर शीट्स और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज जो है वो डिस्प्ले कर दिए हैं, तो आप उनको चैलेंज कर सकते हो। एनटीए ने जो भी स्कैंड इमेजेस थी ओएमआर आंसर शीट्स की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज की, वो अपलोड कर दी हैं और अगर कैंडिडेट्स चाहें तो वो ओएमआर शीट्स को और अपने रिस्पॉन्सेज को चैलेंज कर सकते हैं। अब ये चैलेंज आप कब से कब तक कर सकते हो पहले ये सुन लो, फिर मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि आप चैलेंज कर कैसे सकते हो। तो चैलेंजेस जो हैं वो नीट की वेबसाइट पे जाके हो सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाना वेबसाइट पे और आप कैंडिडेट लॉगिन करना, अपना लॉगिन जो है उस पे करके अपने सारी डिटेल्स भर देना, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा चैलेंज का। अब ये फैसिलिटी जो है वो आप 5-10-2000, यहाँ 19 लिख दिया है, ये गलत आ गया है नोटिस में, इट इज़ 2020 क्योंकि 2020 चल रहा है। तो 5 अक्टूबर 2020 को 6 बजे से लेके शाम के 7 अक्टूबर 2020 के शाम 6 बजे तक आप ये काम कर सकते, क्लियर है। तो आज 6 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप लोगों के पास आज का दिन और कल के दिन का शाम 6 बजे तक का टाइम है। नाउ द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन सम ऑफ ₹1000 एज प्रोसेसिंग फी फॉर ईच क्वेश्चन चैलेंज। तो वही चीज़ है जैसे आंसर की को चैलेंज करने का हर क्वेश्चन का ₹1000 था, वैसे ही अगर आप कोई भी अपना ओएमआर शीट में आंसर चैलेंज करते हो तो आपको पर आंसर ₹1000 जो है वो भरने होंगे। अब जो पेमेंट है प्रोसेसिंग फ़ी का, वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो और इसके लिए 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। जैसे चैलेंज तो आप 7 तारीख की शाम 6 बजे तक कर सकते हो, लेकिन जो फ़ी पेमेंट का टाइम है वो रात 8 बजे तक का है। अब जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी अगर आपका चैलेंज सही माना गया तो, लेकिन अगर आपका चैलेंज सही नहीं हुआ तो वो प्रोसेसिंग फ़ी उन लोगों के पास ही रहेगी। इसके अलावा नो चैलेंज विल बी एंटरटेन्ड विदाउट रिसीट ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी। दूसरी तरफ अगर आपने सिर्फ चैलेंज सबमिट किया है, फ़ी प्रोसेस नहीं करी है, फ़ी सबमिट नहीं करी है, तो आपका चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप चैलेंजेस जो हैं वो पोस्ट या ईमेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि वो लोग उस चीज़ को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। और इसके अलावा आप एनटीए की वेबसाइट पर रोज़ विजिट करके भी और चीज़ें देख सकते हो, और जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको फ़ोन नंबर बताए थे आप उन फ़ोन नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते, क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारे नोटिस की। अब देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है ओएमआर शीट को चैलेंज करने का। तो सबसे पहले आप एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आता है आपका, उससे लॉगिन करोगे। देखो ये आपकी एनटीए की वेबसाइट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओएमआर चैलेंज, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास एक विंडो खुलेगी जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दोगे। अब जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास एक विंडो खुल के आएगी जिसमें यहाँ लेफ्ट पैनल में काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। उस लेफ्ट पैनल में जो ऑप्शंस होंगे उनमें से एक ऑप्शन होगा आपका ओएमआर चैलेंज का। ओएमआर चैलेंज में आप उस लिंक को क्लिक करोगे, उस लिंक पर क्लिक करते ही जो भी 180 क्वेश्चंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। अब आपको जो भी क्वेश्चन चैलेंज करना है रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के लिए, उस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करोगे। Now the number next to the question under the column captured response as per OMR sheet stands for the option opted by candidates in the OMR answer sheet. तो क्या होगा उस question के बगल में, जैसे suppose करो आप 6th question challenge करते हो और उसके A, B, C, D में से आपने C option OMR में भरा था, तो C option में आपके टिक लगा हुआ आ जाएगा कि आपने ये option भरा, क्लियर है।
अब आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो जब चैलेंज के लिए, तो आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे कैंडिडेट्स क्लेम कॉलम के अंडर। अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो आप कैंडिडेट्स क्लेम कॉलम के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक को चुन सकते हो। उसके बाद जब आप अपना डिज़ायर्ड ऑप्शन चूज कर लोगे सारे क्वेश्चंस के लिए जो भी आप चैलेंज करना चाहते हो, आप सबमिट का बटन आएगा सबसे नीचे, उस पर क्लिक करोगे और उस पर क्लिक करते ही आपकी दूसरी स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपके चैलेंजेस जो होंगे कि भाई आपने ये वाले क्वेश्चन जो है उन्हें चैलेंज किया है। इसके बाद फाइनल सबमिट का एक बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपकी एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें गो फॉर पेमेंट का ऑप्शन होगा। इस पे आप क्लिक करके हर क्वेश्चन के हिसाब से 1000 रुपीज़ जो है वो पे कर देना, चाहे आप डेबिट कार्ड से करो, चाहे क्रेडिट कार्ड से करो, चाहे नेट बैंकिंग से करो। इसके बाद जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो जो OMR चैलेंज रिसीट आएगी उसे आपको डाउनलोड या प्रिंट करवा लेना है, जैसा भी आपका मन करे। इन केस अगर आपका चैलेंज सही माना गया तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी जो है आपके उसी अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी और इस रिगार्डिंग जो एक्सपर्ट कमिटी है उसका डिसीजन फाइनल रहे। तो इस बार ये एक नया कंसेप्ट डेवलप किया है कि आप OMR आंसर शीट्स में अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उन्हें भी चैलेंज कर सकते हो। भाई आपको ऐसा लगता है कि आपने ये वाला आंसर नहीं भरा था, OMR शीट में गलत स्कैन किया गया, तो ही आप ये काम करना, वरना इसको स्किप कर दें। क्लियर है? सो मैं होप करती हूँ कि ये सारा प्रोसीजर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा या अपलोड होगा। तो इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर सकते हो और वहाँ पे आपको PDFs भी मिल जाएंगी लेक्चर्स की और बहुत सारे माइंड मैप्स भी। सो ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।